हाई एवरीवान वेलकम टू इन आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है उन स्टूडेंट्स के लिए जो इस बार नर्सिंग कोर्स करना चाहते हैं जितने भी टॉप लेवल के इंस्टीट्यूट्स से, कॉलेजेस से, है उसमें अब नीट के बेसिस पे जैसे कि एडमिशन होने वाला है तो इस वीडियो में हम कंप्लीट लिस्ट देखेंगे जितने भी कॉलेजेस है उसमें नीट के बाद आपको कहाँ पर जाके काउंसलिंग करनी है क्या पर्टिकुलर कॉलेज का खुद का काउंसलिंग होगा या फिर जो मेन कॉमन जो आपका काउंसलिंग होता है वहाँ पे करना है आपको काउंसलिंग सो so, इसके अलावा जितने भी अदर कॉलेजेस है जहाँ पे विदाउट नीट के थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं आ, वो कौन कौन से कॉलेजेस है और उसका क्या एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है वो भी हम वीडियो के एंड तक देखेंगे बट उससे पहले हम सारे कॉलेजेस के बारे में समझेंगे कि अगर कोई लाइक आपका बी है अगर उसमें जाना है तो आपको काउंसलिंग कहाँ करनी है नीट के बाद और अगर अभी तक आपने फॉर्म नहीं भरा है तो आज लास्ट डेट है फॉर्म भर दीजिएगा क्योंकि बिना नीट के अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो बहुत मुश्किल है आ, वो तभी हो सकता है जब आप पर्टिकुलर कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करते हैं तो नीट एग्जामिनेशन देने के बहुत फ़ायदे हैं अगर आप अच्छा स्कोर नहीं भी करते हैं तो भी आपको कॉलेज मिलने के चांसेस है क्योंकि कई सारे प्राइवेट कॉलेज भी अब आपका नीट स्कोर एक्सेप्ट करेंगे बी एस नर्सिंग के लिए अगर आपके कम मार्क्स भी आते हैं तो भी आप एडमिशन ले सकते हैं सो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए एक कट ऑफ है मतलब आपको मिनिमम uh, इतना लाना ही होगा ताकि आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले सको सो so, आज के वीडियो हम सारे कॉलेजेस देखेंगे कहां पे मेल अप्लाई कर सकते हैं कहा फीमेल अप्लाई कर सकते हैं क्या काउंसलिंग प्रोसेस है कहां पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना है काउंसलिंग के लिए ये सारी चीजें सो so, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा एंड अगर ऐसे और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा आइए स्टार्ट करते हैं सो so, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले लाइक like, कॉलेज के बारे में जानने से पहले हम एक आ, बेसिक चीज़ें समझेंगे आ, जो आपकी काउंसलिंग होती है आ, वो दो तरीके से होती है आ, एक आपका एम का वेबसाइट है मेडिकल काउंसलिंग कमिटी जहाँ पर आपका कॉमन काउंसलिंग होता है जितने भी एम बी बी एस बी डी एस एंड नर्सिंग कोर्स के लिए कॉमन काउंसलिंग वहीं पर आपका कंडक्ट होता है जिसके लिए आपको एमसीसी के ऑफिशियल साइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा एंड उसके बाद जितने भी पार्टिसिपेटिंग कॉलेजेस यानी कि जहाँ पे भी एम के लिए बी के लिए या फिर बी नर्सिंग के लिए नीट के थ्रू एडमिशन होना है आ, उसके लिए वहाँ पे आपका कॉमन काउंसलिंग होता है सो so, uh, कुछ ही बी एस नर्सिंग कॉलेजेस है जिसके लिए आपको एम की वेबसाइट पे जाके काउंसलिंग करनी है एंड बाकी कई सारे कॉलेज है जिसमें नीट के बाद आपको पर्टिकुलर कॉलेज की वेबसाइट पर जाके ही आ, वहाँ पर uh, उसका सेपरेट रजिस्ट्रेशन होता है काउंसलिंग के लिए एंड लाइक like, अपना खुद का काउंसलिंग uh, करवाती है कुछ कॉलेज फॉर बी एस नर्सिंग ठीक है तो कौन कौन से कॉलेजेस है वो मैं आपको बता दूंगी जिसके लिए आपको पर्टिकुलर कॉलेज पर जाके रजिस्ट्रेशन करना होगा काउंसलिंग के, के लिए सो so, सबसे पहले हम उन सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स की बात करेंगे जिसके काउंसलिंग एमसीसी कराती है मेडिकल काउंसलिंग कमेटी और टोटल एट इंस्टीट्यूट है जिसमें से पहला है बी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से अगर आप बीएससी नर्सिंग कोर्स करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको नीट का एग्जामिनेशन देना होगा और जैसे एग्जाम दे देते हैं रिजल्ट आ जाता है उसके बाद आपकी काउंसलिंग होती है कहाँ एम के वेबसाइट पर जो एम काउंसलिंग कराती है नर्सिंग कोर्स के लिए वहाँ पर आपकी काउंसलिंग होगी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की और यहाँ पर टोटल हंड्रेड नेशनल सीट जो है वो नीट के थ्रू ही फिल की जाएगी सो मेल एंड फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में और ये वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज हो सकता है आपके लिए आ, अगर आपके अच्छे स्कोर होते हैं तो आप इसके लिए प्रेफरेंस दे सकते हैं जब आप काउंसलिंग करते हैं और इसके लिए सेपरेट रजिस्ट्रेशन करना होता है एम के ऑफिशियल साइट पर ठीक है इसमें टोटल सेवेंटी सीट्स ही है मेल एंड फीमेल के लिए तो कॉम्पिटिशन काफी टफ है बी नर्सिंग के लिए अगर आप बी से करना चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा स्कोर होगा नीट में तभी आप यहाँ पे एडमिशन ले पाएंगे ठीक है इसके बाद है अहल्या बाई कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड यहाँ पे सिर्फ फीमेल अप्लाई कर सकती हैं सिर्फ 15 नेशनल सीट से मतलब ऑल ओवर इंडिया से जो स्टूडेंट अप्लाई करते हैं उनके लिए सिर्फीन परसेंट सीट ही रिजर्व रहती है बाकी सीट्स पर्टिकुलर स्टेट के लिए रहता है तो यहां पर सिर्फ फीमेल अप्लाई करेंगी मेल यहाँ पे एलिजिबल नहीं है और यहां पे भी आपको नीट एग्जाम देने के बाद एमसीसी की वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा उसके बाद है कॉलेज ऑफ नर्सिंग डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल जो कि न्यू दिल्ली में है और न्यू दिल्ली या दिल्ली में जितने भी कॉलेजेस है फॉर बी एस नर्सिंग सभी में फ़ीमेल ही एलिजिबल है तो यहाँ पे भी फीमेल अप्लाई कर सकती है हंड्रेड परसेंट नेशनल सीट से जिसके लिए ऑल ओवर इंडिया से फीमेल कैंडिडेट एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए फॉर बी नर्सिंग एंड नेक्स्ट है नाइट एंगल कॉलेज ऑफ नर्सिंग और यहाँ पे भी सिर्फ और सिर्फ फीमेल ही अप्लाई कर सकती हैं तो 15 परसेंट सीट्स है नेशनल सीट से जिसके लिए ऑल ओवर इंडिया से आप अप्लाई कर सकती हैं बाकी 85 फाइव सीट्स जो होती है 85 फाइव परसेंट वो दिल्ली कोटा सीट्स होती है दिल्ली वालों के लिए होता है तो इसके लिए भी नीट एग्ज़ाम के बाद आपको एम की वेबसाइट पर ही काउंसलिंग करनी है मतलब रजिस्ट्रेशन करना होगा उससे पहले उसके बाद है आपका लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज जिसे एल कॉलेज भी कहते हैं एंड यहाँ पे भी सिर्फ फीमेल अप्लाई कर सकती है लेकिन यहाँ पे हंड्रेड परसेंट नेशनल सीट्स है देन उसके बाद है राजकुमारी अमृत कौर न्यू दिल्ली और यहाँ पे भी आपके हंड्रेड परसेंट नेशनल सीट्स होती है फॉर फीमेल कैंडिडेट यहाँ पे भी मेल अप्लाई नहीं कर सकते हैं बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए उसके बाद आपका सफदरजंग हॉस्पिटल न्यू दिल्ली है और यहाँ पे भी हंड्रेड परसेंट सीट्स फीमेल कैंडिडेट के लिए है बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए उसके बाद है भोपाल नर्सिंग कॉलेज और यहाँ पे मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं जो मेल uh, कैंडिडेट है वो इस कॉलेज के लिए अप्रोच कर सकते हैं थ्रू नीट अगर आप नीट देते हैं तो यहाँ पे आप एलिजिबल है एडमिशन के लिए सो हंड्रेड परसेंट नेशनल सीट से मतलब आप ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं uh, यहाँ यानी कि भोपाल नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए सो so, ये टोटल एट ऐसे सेंट्रल इंस्टीट्यूट से जिसके लिए आपको नीट का एग्जाम देना है एंड उसके बाद आपको जो रजिस्ट्रेशन करना है काउंसलिंग के लिए वो एमसीसी सी के ऑफिशियल साइट पे जाके करना है एमसीसी uh, ही आपकी काउंसलिंग कराती है सो so दैट आप इन एट जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट से उसमें आप एडमिशन ले पाओ फॉर बी नर्सिंग कोर्स एंड अब हम बात करने वाले हैं कि कौन कौन से वो इंस्टीट्यूट से कॉलेजेस है जो नीट के थ्रू एडमिशन तो ले है लेकिन अपना खुद का काउंसलिंग कराती है तो उसमें पहला है आपका जिपमर तो जिपमर के लिए आपको पहले नीट का एग्जाम देना है जब आपका रिजल्ट आ जाता है तो उसके बाद आपको जो काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करना है वो जिपमर के ऑफिशियल साइट करना होगा इसके लिए आपको एमसीसी के साइट पर रजिस्ट्रेशन नहीं करना है क्योंकि जिपमर अपना खुद का काउंसलिंग कराती है तो जिपमर का जो कट ऑफ है वो डिफरेंट जाएगा उसकी अलग मेरिट लिस्ट बनेगी एंड जिपमर के ऑफिशियल साइट पर आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो फीस वगैरह भी डिफरेंट होगी ठीक है एंड इसके बाद है आपका आईपी यूनिवर्सिटी आईपी यूनिवर्सिटी से अगर आप नर्सिंग कोर्स करना चाहते हो तो आपको यूनिवर्सिटी का भी फॉर्म भरना होगा और नीट का भी फॉर्म भरना होगा क्योंकि नीट के बेसिस पे पे एडमिशन होने वाला है बी नर्सिंग के लिए एंड रिजल्ट uh, के बाद आपको आईपी uh, यूनिवर्सिटी पे ही uh, उसका जो ऑफिशियल साइट है वहीं पर जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना है फॉर uh, काउंसलिंग क्योंकि आईपी यूनिवर्सिटी का भी अपना खुद का काउंसलिंग होता है एंड देन है आई पटना इसका भी अपना खुद का uh, काउंसलिंग होता है इसके लिए भी आपको नीट का एग्जाम देना होगा तो एडमिशन आपका नीट के बेसिस पे ही होगा लेकिन आपको काउंसलिंग कैसे करना है और कहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है काउंसलिंग के लिए वो मैंने यहाँ पे क्लियरली आपको बता दिया है आई यूनिवर्सिटी में सिर्फ फीमेल ही अप्लाई कर सकती है अनमेरिड फीमेल ही एलिजिबल है बी नर्सिंग कोर्स के लिए एंड देन उसके बाद है uh, महाराष्ट्र गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी आपका नीट के बेसिस पे एडमिशन होगा गोवा गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी आपका नीट के बेसिस पे एडमिशन होगा इसके बाद और भी कॉलेजेस ऐड होंगे जिसमें आपको नीट के बेसिस पर एडमिशन लेना होगा सो so, जामिया हमदर्द के लिए भी आपको नीट एग्जाम देना है फॉर बी एस नर्सिंग अब अगर हम बात करें जिसमें आपको कोई काउंसलिंग नहीं करनी है तो वो है एम एन एस एम एन एस के पहले अपना खुद का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता था फॉर बी एस सी नर्सिंग बट अब आपका नीट के बेसिस पे शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा अ, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस से में आप अगर बी एस सी नर्सिंग करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप नीट का एग्ज़ाम दोगे उसके बाद जो एम एन एस है उसका खुद का जनरल इंटेलिजेंस एंड जनरल इंग्लिश का टेस्ट होगा टोटल आई गेस एट्टी मार्क्स का पेपर होगा एंड इसके बाद आपको पी देना है देन आपको इंटरव्यू उसके बाद मेडिकल एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ठीक है तो ये कंप्लीट प्रोसेस है MNS में लेने के लिए. MNS में कौन कौन से कॉलेजेस वो मैं आपको बता देती हूँ ताकि आप नीट के बेसिस पे यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो, यहां पे कोई काउंसलिंग आपको नहीं करनी है सिर्फ आपको नीट का एग्ज़ाम देना है एंड एम का भी आपको फॉर्म भरना है नीट का भी फॉर्म भरना है और उसके बाद नीट एग्ज़ाम देने के बाद आपको एक मेरिट लिस्ट एम एन शो करेगी अपने वेबसाइट पे ही और उस लिस्ट के अकॉर्डिंग आप वहाँ पे नेक्स्ट uh, जो एग्ज़ाम है उसके लिए अपेयर हो सकते हैं सो so, एम में आपका ए एफ पुणे है उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं बी नर्सिंग कोर्स के लिए उसके बाद है कमांड हॉस्पिटल कोलकाता आई एन एच एस अश्विनि आर्मी हॉस्पिटल आरएनआर न्यू दिल्ली इसमें भी आपका बीएससी नर्सिंग के लिए नीट एग्ज़ाम देना है कमान हॉस्पिटल लखनऊ में जो है उसके बाद है कमान हॉस्पिटल ए फोर्स जो कि बैंगलोर में है तो इन सभी कॉलेज में एडमिशन के लिए आपको नीट एग्ज़ाम देना है उसके बाद एम का जो खुद का एग्ज़ाम होगा वो सारी चीज़ें आपको क्रैक करनी पड़ेगी अब हम बात करते हैं कि वो कौन कौन से कॉलेजेस है जिसमें आपको विदाउट नीट एडमिशन देगी फॉर बी नर्सिंग तो सबसे पहला है एम्स एम्स इस बार भी अपना खुद का एंट्रेंस ही करवाएगी जिसके लिए अगर आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं या फिर बीएससी पोस्ट बेसिक नर्सिंग करना चाहते हैं या बीएससी पैरामेडिकल जो कोर्सेज होते हैं हो, उसके लिए भी आपको एम्स का एग्ज़ाम ही देना है तो एम्स अपना खुद का एग्जाम करवाएगा इसका एप्लीकेशन अभी चल रहा है तो आप चाहो तो फॉर्म भर सकते हो एंड देन उसके बाद है सी एम सी विल्लौर का भी अपना एंट्रेंस एग्जाम होगा uh, इसकी भी एप्लीकेशन अभी चल रही है एम एन एस का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है के जी एम यू का अपना एंट्रेंस होगा इसमें भी आपको नीट एग्जाम नहीं देना है देन उसके बाद है एम ई टी मणिपाल एंट्रेंस टेस्ट तो मणिपाल कॉलेज ऑफ नर्सिंग में एडमिशन के लिए Uh, आपको एम ये जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है ये देना होता है इंटीग्रल यूनिवर्सिटी जो है लखनऊ में उसके लिए आई का एग्ज़ाम देना होता है एंड देन आपका राजस्थान का जो आर यू एच एस एंट्रेंस होता है वो आप दे सकते हो वहाँ पे बिहार के गवर्नमेंट कॉलेज से बी एस नर्सिंग कोर्स करने के लिए आपको बी सी ई सी ई का एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना होता है इसकी एप्लीकेशन 17 से स्टार्ट होने वाली है एंड अगर आप डिप्लोमा कोर्स करना चाहते हैं लाइक ए एन एम जी एन एम तो उसके लिए आपको डी सी ई सी ई का एग्जामिनेशन देना होता है तो ये बिहार स्टेट लेवल का एंट्रेंस एग्जामिनेशन है सो so, जिसके लिए बिहार कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं तो ये सारे जो एग्ज़ाम मैंने अभी आपको बताए है जो कॉलेजेस आपको बताया है इसमें आपको आ, जो पर्टिकुलर एंट्रेंस एग्जाम होता है वो देना होगा इसके लिए कोई नीट एग्जाम नहीं देना है ठीक है आई होप सारी चीजें क्लियर हो गई होगी कोई भी डाउट है आपको एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड डेफिनेटली कॉमेंट कर सकते हैं अभी कई सारे एप्लीकेशन चल रही है टाइम पे फॉर्म भर दो तो अगर आप बायो आ, स्ट्रीम से ट्वेल्थ कर रहे हैं या फिर कर चुके हैं ठीक है थीके? तो नेक्स्ट किस टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहते हैं आप हमें कमेंट करके कर बता सकते हैं आज के लिए बस इतना ही खो सकते हैं तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा थैंक यू सो मच एंड टेक केयर